एक साहब ये कहते हैं कि कार्टून जैसी मखलूक दुनिया में नहीं पाई जाती, इसलिए ये जानदार की तस्वीर नहीं है और इनकी तस्वीरों से न नमाज में कोई फर्क पड़ता है न रहमत के फरिश्तों के आने में, क्योंकि ये जानदार की तस्वीर नहीं है और तस्वीर जानदार की हराम है। ये उनका अपना इख्तिराई ख्याल है और इस इख्तिराई ख्याल से अल्लाह रसूल के अहकाम मुअत्तल नहीं हो सकते और जानदार की तस्वीर जो उकला और फुकहा और इमामुल फुकहा वल मुहद्दिसीन हुजूर आला हज़रत अज़ीम बरकत ने अताउल क़दीर में जो तारीफ की है वो जिस फीचर पर जिस पिक्चर पर जिस कार्टून पर उस अदाकार और जो फीचर पिक्चर जानदार की हिकायत करे और उसको देखने से आदमी को पता लगे कि वो किसी जानदार की इंसान की या हैवान की सूरत देख रहा है, वो बिला शुभा जानदार ही की सूरत है। ये नई तारीफ ये दावत इस्लामी के अमीर की अपनी मनघड़त है जिस पर कोई सनद नहीं है और दावत इस्लामी के अमीर पर खुद अमीर दावत इस्लामी के वो अकवाल और वो उनके अहवाल उन पर हुज्जत है जो माजी करीब में उन्होंने कहे हैं। आज से पहले टीवी शैतान था, मारो शैतान को मारो शैतान को कहकर के कितने टीवी चुड़वा दिए। अब आज चूंकि दीदार कराया जाता है और मस्जिद में इस लैपटॉप की लानत को लाया गया है, लिहाजा कभी नासिक मंसूख की बात की जाती है और कभी जानदार की तस्वीर के बारे में ये इफ्तिदाई गलत की जाती है। ये सब उनका हिजियान है जो काबिल तवज्जो नहीं है।